वो समा रे वो रोजा उनका उनकी जाली जाली उनकी जाली उनकी जाली वो समा कितना पुरनूर कितना पुरनूर है वल्लाह वो पूछा उनका कितना पुरनूर है वल्लाह वो पूछा उनका कितना शान मदीने में रहे गुनाहगार सही शान मदीने में रहे बल्कि सरकार का मेहमान मदीने में रहे याद आती है मुझे अहले मदीना की ये बात याद आती है मुझे अहले मदीना की ये बात जिंदा रहना वो तो इंसान मदीने में रहे कुछ ऐसे तसव्वुर में समा जाए मदीना देखूं मैं जिधर सिर्फ नजर आए मदीना खुल जाएगी एक पल में ही बीमार की आंखें बस कान में कह दे कोई ले आए मदीना आका मेरे आका मेरे आका मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो आका मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो सोने नहीं देती है तमन्ना है मदीना सोने नहीं देती है तमन्ना है मदीना क्यों मौत का एहसान उठाती है ये दुनिया क्यों मौत का एहसान उठाती है ये दुनिया जन्नत जिसे जाना वो चला जाए मदीना जन्नत जिसे जाना वो चला जाए मदीना देख के बस मेरा मुद्दा मदीना है। अच्छा एक बार अगर मैं आपसे कहूँ सुभान अल्लाह कहने के लिए तो आप कहेंगे सिर्फ एक बार अभी तक नहीं कहा कहेंगे इंशाल्लाह एक बार जरा आप बहुत एडवांस एक बार जरा मोहब्बत से कह रहे ये मिसरा याद करें आप याद आता है मुझे रोज मदीना याद आता है
और मेरे साथ महफिल होती है और खूबसूरत हो जाएगी। जरा मिलके एक बार याद आता है मुझे लेकिन ऐसे सुने आपके हुजूर की मिलके सारे लोग ईमानदारी के साथ एक आवाज में मिलके पढ़ेंगे। देखें आपको खुद एहसास होगा मिलके बुलंद आवाज बुलंद आवाज या उनका याद आता क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं। मुफ्ती साहब से पूछ लीजिए पूछ लीजिए पूछ लीजिए इस मिसरे का तजर्बा इनसे ज्यादा किसी दुनिया वाले दर्द देते हैं। दर्द दिल की दवा 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 एक आवाज में बोलिए एक आवाज एक आवाज। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं। दर्द दिल की दवा मदीना है। दर्द दिल की दवा मदीना है। उठ के जाऊं कहां मदीने से क्या कोई दूसरा मदीना है। आप सबकी दुआएं चाहता हूं शेर खुसूसी दुआ और आपकी तवज्जो। एक बार जरा सारे गुलाम हुजूर के हाथ उठा के कहेंगे आप जरा हाथों को उठा के कहें और जितनी ताकत है सीने में उतनी ताकत से बोलना है। हाथों को उठा के बोलें या उमर बुलंद आवाज से बोलना। हजरत उमर का नाम वो नाम है जिस नाम को सुन के शैतान भी अपना रास्ता बदल देता है। यार ये वो नाम है जो मेरे हुजूर की दुआओं में शामिल था। मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर की जात होती। हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े इंसान ने कुछ साल पहले कहा था कि उमर जैसा इंसान कुछ साल तक जाहिरी हयात के साथ दुनिया में अगर और जिंदा रह जाता तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कुछ और नहीं होता। वही तेवर लेके उठे अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब। फिरोज भाई अच्छा एक बात है। अब मुझे ये एहसास हो रहा है कि अल्लाह मुझे रोज बीमारी रखे मैं दुआ नहीं करूंगा कि मैं ठीक हो जाऊं क्योंकि मुझे ज्यादा ही लुत्फ आ रहा है पढ़ने में। सही मैं बता रहा हूँ ईमान से इतना अच्छा लग रहा है इतना दिल लग गया। एक शेर ये आप तक पहुँच रहा है जरा दिल से सुनिएगा। एक बार जरा हाथों को उठा के बोले या उमर 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 बुलंद आवाज से एक एक हाथ उठे या उमर 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 याद आता दो ही लफ्जों में बदल डाली उमर की दुनिया। दो ही लफ्जों में बदल डाली उमर की दुनिया। कितना मीठा कितना मीठा
मीठा था होता जाने वो ले जा उनका कितना मीठा शबाहत को जना सैयदा ही नहीं तो पाला है शबाहत को जना सैयदा ही नहीं तो पाला है शबाहत को जना भूल के ही ना से मशहूर तखीर के बाद यहाँ कोई रहेगा मैं सुनाऊंगा बैठो बैठो हाँ बस वो कलाम सुना दो चार चीज सुना हाँ पढ़ दूंगा पढ़ रहा हूँ चुपो तो चुपोगे तब ना पढ़ूंगा बैठे भाई कोई बात नहीं मैं अपनी मुफ्ती साहब अपना फरमा रहे हैं तो मैं पढ़ता हूँ हुजूर अब को अरे मुफ्ती साहब ने एक फरमाइश की ये एक मतलब एक शेर